नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर स्वागत है हमारे ब्लॉग में। और दोस्तों, आज मैं आया हूँ अपने गांव से 65 किलोमीटर दूर प्रयागराज। ये देख सकते हैं नैनी यमुना ब्रिज है ये नया वाला पुल। और दोस्तों, आज है मौनी अमावस्या, क्योंकि आज नहावन है, स्नान दान है। तो चलते हैं दोस्तों संगम क्षेत्र की ओर, वहाँ का सीन दिखाते हैं। और दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर दोस्तों अगर नए हैं चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों वीडियो कैसी लगी हमारी। तो चलते हैं दोस्तों संगम क्षेत्र की ओर। दोस्तों, भंडारा चालू है और भोजन कर लेते हैं। अब ये दोस्तों नैनी में है। तो यहाँ पे देख सकते हैं नए पुल पे जो है, क्योंकि नए पुल से जो गुजरता है जो व्यक्ति, तो थोड़ा सा जो रुक जरूर जाता है, क्योंकि इतना यहाँ का मनमोहक दृश्य है, सेल्फी लेने लगते हैं। दोस्तों, पैदल ही जाना पड़ेगा संगम क्षेत्र तक, क्योंकि इधर के लिए गाड़ियाँ जो है बैन हो गई है। तो लेप्रेसी चौराहा जो नैनी का है, तो वहीं तक जो है बस खड़ी कर दिए हैं। तो आगे जो है मोटरसाइकिल वाले, ऑटो रिक्शा वाले जा सकते हैं या पैदल वाले जा सकते हैं। दोस्तों, हर्षवर्धन चौराहा से जो है अब आगे निकल रहे हैं, जा रहे संगम की ओर। इस रास्ते पर जो है काफी भीड़ है। इस साइड भी दोस्तों गाड़ियां बहुत खड़ी है, बस हो गया है, जो कि देख सकते हैं जहां तक नजर जाएगी वहां तक जो है वो बस ही खड़ी है। ये रहा दोस्तों पार्किंग स्थल, देख सकते हैं इसमें लिखा हुआ है। चलते हैं दोस्तों, दिखाते हैं आगे झूला वाले मेला जो है, जहाँ पे झूला है। ये देखिए दोस्तों, ये हेलीकॉप्टर वाला झूला है। ये देख सकते हैं कितना तेजी के साथ चल रहा है। ये देखिए दोस्तों, ये बच्चों वाला जो है, जो कि ऊपर जाते हैं बच्चे, फिर नीचे जाते हैं। और इधर ये गाड़ी वाला झूला है दोस्तों, देख सकते हैं कितना अच्छा सजाया गया है। और ये देख सकते हैं दोस्तों आगे, ये रहे दोस्तों बच्चों के लिए ट्रेन। और ये देखिए दोस्तों, इस दुकान में तो काफ़ी सारे नाश्ते यहाँ पे मिल जाएंगे, क्योंकि ज़्यादातर फास्ट फूड ही हैं। और ये देखिए दोस्तों, ये तो ये झूला देखिए, ये तो दोस्तों ये दो दो झूले एक साथ में हैं, और ये चारों तरफ नाश्ते हैं ये। और यहाँ पे देखिए झूलने वालों की लाइन लगी है दोस्तों। और दोस्तों सामने ये देखिए बॉम्बे मीना बाज़ार जो है, उसको आप सभी को हम दिखाएंगे, वहाँ पे भी चल के दिखाते हैं। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे भी काफ़ी भीड़ लगी है। और ये देखिए दोस्तों, काफ़ी जो है यहाँ पे फास्ट फूड की दुकान भी है। और इधर देखिए काफ़ी लाइन लगी हुई है, और सभी लोग जो है दोस्तों यहाँ पे मेले का आनंद ले रहे हैं। यहाँ पे देखिए जो है भेलपूरी दोस्त। और ये रहा दोस्तों दिल्ली मीना बाज़ार, जो कि अंदर चल के वहाँ के सीन आप सभी को दिखाते हैं। ये गेट से बाहर का नज़ारा, और ये अंदर दोस्तों आ गए हैं। ये देखिए काफ़ी भीड़ लगी हुई दोस्तों, और काफ़ी आइटम है यहाँ पे दोस्तों, काफ़ी सामान है, जो कि लोगों को जो जो अच्छा लग रहा है, ज़रूरतमंद अपनी चीज़ जो है ले रहे हैं। और ये देखिए दोस्तों, ये देखिए बैग दोस्तों, लेडीज पर्स हैं ये, और इसमें बढ़िया बढ़िया पर्स है दोस्तों, ये बैग भी है। और ये देखिए, और ये रहा दोस्तों बड़ा वाला झूला, और सामने दिखाई दे रहा है उसके आगे एक और झूला है। और ये रहा दोस्तों, ये झूला चारों तरफ आप नाचता है, फिर ऊपर जाता है, ऊपर जाने के बाद फिर नीचे आता है। ये भी टिकट यहाँ का दोस्तों जो है 50 रुपये था। और ये रहे दोस्तों बांस और लकड़ी वाले सामान हैं, कई सारे सामान बनाए गए हैं, ये बहुत अच्छे अच्छे बनाए गए हैं दोस्तों, ये देख लीजिए आप लोग। और ये रहा दोस्तों नदियों का नाम और नक्शा, जो कि देख सकते हैं सभी नदियाँ नाम लिखा गया, कौन नदी किधर साइड में गई है, वो नक्शा है पूरा दोस्तों। दोस्तों, ये रेडियो धर्मिता के शिकार, धरती के विलुप्त जंतु एवं वनस्पतियाँ, और जो कि यहाँ पे दोस्तों ये दर्शाया गया है, जो कि यहाँ पे देख सकते हैं मानचित्र जो है बनाया गया है, और काफ़ी यहाँ पे जीव जंतु हैं दोस्तों, ये देख सकते हैं।
ये है दोस्तों उत्तर मध्य रेलवे प्रदर्शनी एवं टिकट काउंटर। दोस्तों संगम वाले क्षेत्र में बस पहुंचने ही वाले हैं और काफी भीड़ है दोस्तों। दोस्तों काफ़ी मेहनत के बाद, काफ़ी पैदल चलने के बाद अब जो है बस धीरे धीरे नज़दीक पहुंच रहे हैं। और ये दोस्तों रिजर्व पुलिस लाइन 112 और ये देख सकते हैं आगे सामने गेट दिखाई दे रहा है। काफ़ी भीड़ है दोस्तों यहाँ पे और मेला का कार्यालय यहाँ पे है दोस्तों, यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ये देखिए दोस्तों यहाँ पे सभी लोग नहा के सभी श्रद्धालु जा रहे हैं घर और जो भी बिस्तर लाए थे वो जो कपड़ा था सब कुछ ले जा रहे हैं। ये देखिए दोस्तों यहाँ पर आ गए संगम के तट पर जो कि अभी ये झूसी वाले पुल के बगल में अभी हम लोग हैं। और ये देखिए दोस्तों यहाँ पे डिब्बा मिल जाता है गंगा जल लेने की। झूसी वाले पुल के बगल में दोस्तों ये देख सकते हैं पीपा पुल बनाया गया है। दोस्तों अभी त्रिवेणी संगम नहीं पहुँचे हैं और चलते हैं दोस्तों त्रिवेणी संगम की ओर। दोस्तों एक पीपा पुल और बनाया गया है जो कि देख सकते हैं श्रद्धालु उस पार जा रहे हैं और चलते हैं दोस्तों हम भी उधर और देखते हैं कैसा है, जो है कैसा लगता है पीपा के पुल से। और ये देखिए दोस्तों काफ़ी अच्छा लग रहा है, ये पानी का बहाव दोस्तों काफ़ी तेज़ी के साथ है देख सकते हैं। दोस्तों इस पीपा वाले पुल पे आ गया हूँ और ये पुल पे खड़ा होकर दोस्तों इतना ठंडा ठंडा हवा लग रहा है कि इधर पूरा ठंडा हवा लग रहा है दोस्तों। दोस्तों त्रिवेणी तट पे जो है पहुँच आया हूँ और यहाँ पे दोस्तों कैमरा चलाना जो है मना है, दूर से ही आप सभी को दिखा दूंगा, नज़दीक से नहीं दिखाऊंगा। दोस्तों सुलभ शौचालय जो है बगल में ये बनाया गया है और देख सकते हैं जो कि काफ़ी अच्छा है, जो कि महिलाओं के लिए अलग है, पुरुषों के लिए दोस्तों अलग है। उत्तर प्रदेश पुलिस संगम वॉच टावर दोस्तों ये है। दोस्तों स्नान करने के बाद महिलाओं को कपड़े बदलने के लिए यहाँ पे देख सकते हैं ड्रेसिंग रूम बनाया गया है जो कि देख सकते हैं सामने वो दिखाई पड़ रहे हैं। दोस्तों मेरे पीछे रहा वो खोया माया केंद्र देख सकते हैं, वहाँ पे नाम लिखा हुआ है। दोस्तों यहीं पे आपको डब्बा भी मिल जाएगा जो कि गंगा जल ले जाने के लिए। और ये देखिए दोस्तों संगम तट का नज़ारा, संगम क्षेत्र का नज़ारा बहुत। और ये देखिए दोस्तों काफ़ी नाव है जो कि देख सकते हैं काफ़ी लोग जो है घूमने के लिए और वहाँ पे जो है दोस्तों गए हैं। ये देखिए दोस्तों काफ़ी नाव है दोस्तों, काफ़ी लोग घूमने के लिए गए हैं। ये देखिए दोस्तों ये स्वच्छ भारत टैंकर है और ये दोस्तों रैन बसेरा हो गया जो कि काफ़ी बड़ा रैन बसेरा है दोस्तों। नहीं पैर से दबाइए टूट जाएगा, एक नहीं चार मशीन खरीद ले जाइए और इस मशीन के अंदर केवल भर के दबाने का काम है सर। ठीक से ना मैडम, ऐसा गरम घी तेल में दबाएंगे, घोलते तेलों में दबाएंगे सर, यहाँ देखिए। और ये रहा दोस्तों अकबर का किला देख सकते हैं। और दोस्तों आज किला जो है बंद किए हैं क्योंकि दोस्तों नहावन जिस दिन नहीं रहता है तब ये किला जो है चालू रहता है अंदर जाने के लिए। अभी तो दोस्तों अंदर जाने के लिए मना है और ख़ास लोगों को हो सकता है जाने देंगे लेकिन दोस्तों बिल्कुल मना है। ये देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे जो है भंडारा भी चल रहा है और जिसको खाना है वो खा सकते हैं। और दोस्तों हम तो चल रहे हैं और क्योंकि लेट हो रहा है दोस्तों, गाड़ियाँ भी जो है नहीं मिलेगी टाइम से। यहाँ पे दोस्तों शंख भी मिल जाएगी और रुद्राक्ष भी मिल जाएगा और घोड़े का नाल भी मिल जाएगा, बहुत कुछ है यहाँ पे। देखिए बहुत ही, मान लीजिए कि 2 फीट या 2.5 फीट का होगा ये आदमी देख सकते हैं। ये डमरू बजा रहे हैं, ये छोटा वाला जो बच्चों वाला डमरू होता है। और ये देखिए दोस्तों बंधवा जो है हनुमान जी के दर्शन करने के लिए यहाँ पे लाइन लगी है। ये है दोस्तों नौलखा मंदिर जो कि बंधवा हनुमान जी मंदिर से बगल में थोड़ी दूर पर है। और ये देख सकते हैं बाहर से सीन ये दिखा रहे हैं आप सभी को, गेट का नज़ारा है। और अंदर चलेंगे दोस्तों तो वहाँ का भी सीन आप सभी को दिखाएंगे। तो ये है नौलखा मंदिर, यहाँ पे हम घूमने आए, यहाँ पे आप सभी को यहाँ का सीन आप सभी को दिखा रहे हैं, कैसा मंदिर है। दोस्तों ये सीन आप सभी को दिखा रहा हूँ नौलखा मंदिर के छत पर से, ये संगम क्षेत्र का सीन है दोस्तों। देख सकते हैं यहाँ से काफ़ी साफ दिखाई पड़ रहा है जो कि यहाँ पे टेंट कितने लगे, बहुत सारे टेंट हैं दोस्तों जो कि श्रद्धालु लोग इसी में रहते हैं। और ये देखिए दोस्तों रास्ता है एक। दोस्तों इस मंदिर में बहुत छोटी छोटी मूर्तियाँ हैं देख सकते हैं, डिजाइन बनाया गया दोस्तों। ये
गेट है इसमें कीले कितनी बड़ी बड़ी कीले लगाई गई है। तो दोस्तों चलते हैं घर, क्योंकि गांव में जाने के लिए लेट हो रहा, नहीं तो हम लोगों को बस नहीं मिलेगी, फिर दिक्कत हो जाएगा, देरा हो जाएगा, फिर रात इधर से ही गुजारना पड़ेगा। यहाँ पे दोस्तों भंडारा चालू है, यहाँ पे कई जगह में देखा कि बीच बीच में भंडारा जो है चालू है। ये देखिए दोस्तों, श्रद्धालुओं को जाने का रास्ता अलग है और आने का रास्ता जो है अलग है। दोस्तों वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।